जी सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन कैंडिडेट्स जरा बता दीजिएगा यस सर, और आ रही काइंडली है। अपने माइक्स को ऑफ कर दीजिएगा, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे मैम एंड पे एड्रेस करेगी, क्योंकि अभी साथ माइक अटैच है। सर वो नोट कल भी द नहीं एड्रेस हुए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन, कल भी सर ने नहीं पूछा था। एक्सक्यूज मी, ये वाला माइक है, इसके ऊपर नहीं रख सकते? नहीं, इसके ये इस पे मैं तो रख लेती हूँ। चलो नहीं, मैं तो रख लूँ। जी कैसे आप सर? ठीक है। तो जी कल हम लोग ने, अच्छा इसको आगे ड्राइव ऑफ को आगे कर स्लाइड डाल दूंगा। आगे तो करनी है सर। हां यार, इधर तो भी आपकी क्लास में जैसे कर मैंने आपको जस्ट हम बात करेंगे, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप जो है आपके उसके अंदर आपके जो बाकी ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो तरह फिजिकल सेशन आपके साथ जाते हैं उनमें मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा टारगेट करूँ और उनको एट लेंथ आपको ज्यादा बताऊँ, ताकि जिनसे क्वेश्चन आने हैं और 100% एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन आएगा, आपको वो चीज करनी है, आपको उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। इसी भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आता है कि नमाज की अहमियत और क्या क्या होता है, तो हमने देखा है कि कितने कैसे सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपने क्या करना है, पेपर के अंदर
वॉइस नहीं आ रही। लेकिन ये जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी जो प्रैक्टिस है रिलीजियस प्रैक्टिस इबादात है ठीक है। अच्छा उर्दू वाले प्लीज मैं कोशिश करूंगी साथ साथ मैं उसकी उर्दू का तर्जमा करते जाऊँ ठीक है। सो आपसे परेशान नहीं होना इस पे। तो इबादात जो है उनमें ही होती है कि सिंपल एक चीज आपको पहले उसका मैंने कल आपको तीन टूल बताए थे। कभी भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो आप क्या करेंगे उसके लिए यू विल डिफाइन इट ठीक है वेरी गुड। आप उसको क्या करेंगे डिफाइन उसकी क्या पहले तो आप उसकी तारीफ बयान करेंगे ठीक है उसका स्ट्रक्चर बयान ठीक है। अभी अब जब मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगी तो आपको ये साथ साथ बताती जाऊंगी और स्ट्रक्चर पता चल रहे तो फिर हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है। स्ट्रक्चर चले उसको हम कह लें बुनियादी उसका ढांचा क्या है और उसके बाद फंक्शन क्या है ये तीन चीजें आपने माइंड में रखती है किसी भी क्वेश्चन को डाइसेक्ट करते हो ठीक है। क्वेश्चन की डाइसेक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने क्वेश्चन को डाइसेक्ट यानी उसको स्प्लिट करके आपने उसको कैसे लेकर चलना होता है ठीक है। अच्छा कल हम बात कर रहे थे इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या है एक दीन है। इस्लाम क्या है दीन है और दीन के बारे में मैंने क्या बात की थी कि जैसे दीन फॉर एग्जांपल ये दीन है और दीन के अंदर क्या है मजहब ठीक है। दीन आपकी टोटैलिटी है। दीन आपकी क्या है टोटैलिटी है और मजहब क्या है आपकी पार्शियलिटी है पार्ट है उसका होल और पार्ट की मिसाल दी थी आपको मैंने ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज भी मैंने आपको बताया था मादा और रू दोनों को एड्रेस कर रहा है आपका दीन ठीक है। और अगर हम मादा एस्पेक्ट की बात करें तो आपके साथ कौन कौन सी चीजें मुंसलिक हैं आपके साथ सियासी मामला भी मुंसलिक हैं मुआशी समाजी माशर्ती तमाम किस्म के मामला आपकी जात के साथ मुंसलिक हैं ठीक है। और इस्लाम ने इकोनॉमिक सिस्टम की बात भी की है सोशल सिस्टम की बात भी की है पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको दे दिया ठीक है और आपका जुडिशियल सिस्टम भी दे दिया और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से की जाए वो भी आपको बता दिया ठीक है। ये बात करते हैं अब उसके बाद इसकी बात करने के बाद हम यहाँ पे जैसे अब क्रिटिकल असेसमेंट किसी को पता है क्या होती है क्रिटिकल असेसमेंट किस चीज की नहीं पता किसी एक को भी नहीं पता मटीरियल फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ठीक है आप ठीक है। अब देखो हम क्रिटिकल असेसमेंट क्या होती है किस चीज की फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए थिंकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल ए कोई एस्पेक्ट उसका सोच रहा है हम इस्लामियात की बात करते हैं ना कोई भी टॉपिक है हम इस्लामियात का टॉपिक उसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव से पूछते हैं ठीक है। औरत के हकूक की बात कर लें ठीक है औरत के हकूक की बात कर लें आपने उसकी बात कर ली। अब ये तो हो गया हमने देखा इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में क्या कह रहे हैं शरिया इसके बारे में सबसे पहले द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेफरेंस कल मैंने क्या बताया था शरिया क्या कह रहे हैं सेकेंड मैंने आपको क्या बताया था आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो क्या कह रहे हैं ठीक है। अब ये हो गया ना कि एक तरफ का पर्सपेक्टिव होली सोली इस्लाम का सबने इस्लाम की करनी है अगर बात तो सेम ही बात होगी ना अपने अपने लफ्जों को सिर्फ कर देंगे चेंज सेम बात होगी लेकिन उसके बाद अनदर पर्सन पर्सन बी ठीक है वो हैज अ डिफरेंट व्यूज फॉर एग्जांपल आपका मगरबी नजरिया उर्दू में मगरबी नजरिया जो है वो क्या कहता है जब आप मगरबी नजरिए को देखते हैं
इसका मतलब आपने क्या किया, आपने दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए, ऑपोजिट्स को देखते हुए क्या करना है, आपने ऑपोजिट्स को देखते हुए, ठीक है, आपने एक यूनियन बनाते हुए एक कंक्लूजन पे आना होता है. किस पे आना होता है? आपने कंक्लूजन पे आना होता है. एंड दिस इज व्हाट नीडेड इन सीएसएस. ठीक है, आपको इसकी बहुत ज्यादा ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपने, मैंने कल भी आपको चीजें बताई थी, एसेंशियल्स क्या है फॉर ऑल द सीएसएस प्रिपरेशन. आपके अंदर एनालाइज करने के, एनालिसिस ये होता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं. एनालिसिस ये होता है कि आपने दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए उन एस्पेक्ट से ना, अब आपका जो सब्जेक्टिविटी बनेगी ना, आपका क्या बनेगा, सब्जेक्टिविटी बनेगी, आपका ओपिनियन बनेगा, वो चीज आपने लेकर आनी. दिस इज वेयर योर इनोवेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अच्छा मैं इन चीजों पे इसलिए ज्यादा जो है ना देरी जोर आपको ये चीजें समझाने पे कुछ जो है ना, क्योंकि ये आपकी बेस में होनी चाहिए. जब तक ये बेस में नहीं होगी ना, बिकॉज मेरा ये तजुर्बा है कि आप फिर आप एक एक्सेप्शनल अटेम्प्ट नहीं दे सकते. ठीक है, आप एक्सेप्शनल नहीं दे जाते. सब बच्चे बैठे हैं एक दिन में इस्लामिया, दो दिन में इस्लामिया बैठ के आप पढ़ लें, पढ़ी जा सकती है. ठीक है, इट्स डूएबल. लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन के अंदर एक अलग व्यू, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करनी है. अब यहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट देखते हैं. प्रोफेसर एच ए आर जेब, वन सेट ऑफ स्टाफ. देखिए ये जो वेस्टर्न जो है वेस्टर्न एकेडमिशियन है वो क्या कह रहे हैं इस्लाम दीन के बारे में, कि विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इस्लाम को स्टिल मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एग्जैजरेटेड ऑपोजिट्स. अब एग्जैजरेटेड ऑपोजिट्स क्या है, मादा और रूह. ठीक है, opposed equally to the anarchy of European nationalism and the regimentation of Russian community. अब आपको पता है कि यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और हमें पता है रशिया के अंदर क्या है, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है. और इट हैज येट नॉट येट सकम टू दैट ऑब्सेशन विद द इकोनॉमिक साइड. इकोनॉमिक साइड आपको पता ना, सिर्फ इकोनॉमी इंडिविजुअलिज्म बढ़ रही है उसके अंदर. लेकिन इस्लाम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है कलेक्टिविज्म. ठीक है, कलेक्टिविज्म उर्दू में क्या कहेंगे, इज्तिमाइयत. गुड, इसका क्या होगा, इज्तिमाइयत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर. एक सोशल कोहेशन, ठीक है, समाजी रबत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में. आपको आइसोलेशन की बिल्कुल ममानात है उसमें. इस्लाम में क्या है, आपने इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स तो आपके हैं, लेकिन आपके इंडिविजुअल राइट्स तब तक जो है वो नहीं आप पूरे कर सकते जब तक आप एक कोहेशन में नहीं है, आप एक रबत में. ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इस्लाम के अंदर ना, उसने पहले बताया कि उसमें दो बड़ा बैलेंस रखा हुआ है बॉडी और रूह के अंदर. जबकि अगर आप वेस्टर्न का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या है, क्या चीज है उसके अंदर, वेस्टर्न मटीरियलिज्म. वो ज्यादा फोकस किसको दे रहे हैं, मटीरियल को. इसको फोकस दे रहे हैं मटीरियल को. ठीक है, इकोनॉमी की पोजेशन करना और ये सारा जो कंज्यूमरिज्म है. कभी वर्ड सुना है कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर का वर्ड तो सुना होगा. कंज्यूमर का मतलब होता है आप चीजें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेडीज को एक बैग है लेकिन दे वॉन्ट डिफरेंट बैग्स, डिफरेंट ब्रांड्स के बैग. ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ठीक है, तो क्या होता है, मेल्स को भी शौक होता है. ठीक है, मोबाइल्स का या जो भी, यानी आपने देखा होगा हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर सबसे बड़ी जो एक हमने ट्रेड ली हुई है वो क्या है, कंज्यूमरिज्म. क्या आ गई आपके अंदर, कंज्यूमरिज्म. इस्लाम के अंदर इसको मना किया गया. ठीक है, तो ये एज अ सोशल सिस्टम आपके अंदर कंज्यूमरिज्म बढ़ती जा रही है. अब वो यही बात कर रहे हैं कि इस्लाम जो है ना वो बैलेंस का नाम है. इस्लाम एक्सट्रीम पे नहीं जाता जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जा रहा. अब ये क्या कर रहे हैं, what he is doing, he is actually analyzing the two aspects. क्या कर रहा है वो, analyzing the different aspects of it. और उसके बाद आपको वो बता रहे हैं and ultimately वो उसकी बताता जा रहा है कि इस्लाम किस तरह से, which is characteristic of present day Europe and present day Russia alike. ठीक है, तो अब उसने क्या किया, बाकी example देके इस्लाम को stand out कर दिया. इस्लाम को क्या कर दिया, stand out कर दिया, balance कर दिया. अब यही मिसाल जो है इसको आप उर्दू में निकले, जो उर्दू वाले, यही मिसाल मुख्तलिफ जगहों पे आप लगा सकते हैं जहां पे भी हो. फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन है कि इस्लाम को दरपेश मसाइल, मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल, उसमें आप कंज्यूमरिज्म का जिक्र भी कर सकते हैं, मटेरियलिज्म का जिक्र भी कर सकते हैं. ठीक है, कि कैसे मादियत पसंदी आती जा रही है. अब देखें ये मैं मेरे लेक्चर में जो चीजें होंगी, आपने जो एग्जांपल्स देनी हो आप उसको नोट करते जाइएगा. ठीक है, इससे ये होगा कि आप आज का जो लेक्चर है ना, इवन आपको बुक से भी मे बी तैयार करना ना पड़े. हेडिंग्स आपको इसके अंदर बनी होंगी स्लाइड्स के अंदर. ठीक है, हेडिंग्स बनी होंगी, रेफरेंसेस मैं आपको लिखवा दूंगी.
इवन आपको बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ये चीज समझ आ जाए। पता नहीं कहाँ से करके गया, हाँ जी ये बताना जरा, ये कहाँ ये बुक क्या है चार साल। आपने सारे से कहा था, सारे से मुझे कहा था, अलग है, ठीक है। बोर्ड आपने और उनको ये नजर आ रहा होगा फिर वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है सर, इसका कैमरा बंद कर रहा हूँ। हाँ ये मैं कर रहा हूँ, और
मैम एक क्वेश्चन है कि ये जो स्लाइड्स हैं ये हमें सॉफ्ट में मिल जाएंगी जिन्होंने उर्दू में रखा होगा, जिस तरह रेफरेंसेस होते हैं तो उसको देख के हम उसको कोट कर सकें उर्दू में? जी जी मिल जाएगी, मिल जाएगी उर्दू वाले, इसको फिर आप कर लीजिएगा ना। वैसे उर्दू में बोल रही हूँ साथ साथ, लेकिन आपको पता है उर्दू में स्लाइड टाइप करना मुझे तो पूरा साल चाहिए उसके, तो वो फिर आप उर्दू वाले जरा इसको थोड़ा सा अपना देख लीजिए। टॉपिक हमारा दीन और रिलीजन में डिफरेंस आगे स्लाइड्स हैं मैं आपको कराती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ दीन, ठीक है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे। इस्तेमाल कर दो अच्छा, उसमें देखिए आपका ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में आते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर एनालिसिस भी आपको आना चाहिए, उससे आपको प्रिडिक्शन मैंने आपको पहले बताया था, आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आ सकता है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है, define religion and describing its necessity. अब इसको dissect करना अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा लूं and then I'll come up to the questions. This is आपके दिखा। अभी अंदर recent 2022 में जो question आया था, describe the importance of deen in human life. ठीक है, they simply ask the importance. ये क्या है importance? General term है। क्या है? General term. General term है। कल मैंने क्या सिखाया था? General से फिर किस तरह से आना आपने? Specific आना, ठीक है? Of deen in human life, we differentiate between deen and religion. Apparently, this seems a very simple question, ठीक है? और इस simple question को आपने फिर इसको किस तरह से आपने करना होता है? That all depends on your brainstorming. आपको systematic brainstorming जितनी जल्दी आ जाएगी, उतना easy होगा हर question को decode करना आपके लिए, ठीक है? This is what actually the trick is कि आपने question को ले लिया। Differentiate between deen and religion, आगे हम इसको discuss करते हैं चीजों को। अच्छा क्या पढ़ते हैं आप? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपको पता ही है इसका व्यू ऑन द रिलीजन इस्लाम, ये क्या कहता है अपनी बुक में 1936 में इसने अपनी बुक लिखी थी द जेन्युइन इस्लाम, ठीक है, द जेन्युइन इस्लाम। आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल वाइटैलिटी। वाइटैलिटी किसको कहते हैं, ठीक है, वाइटैलिटी कहते हैं कि जो काफी वाइटैलिटी इन अ सेंस उसकी जो है ना इम्पोर्टेंस वो ब्रॉडर है, ठीक है, उसका एस्पेक्ट क्या है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, वो हर पहलू हर जगह पे उसका असर नजर आता है, वाइटैलिटी है उसका। इट इज द ओनली रिलीजन व्हिच अपीयर्स टू बी पोजेस दैट सिमिलेटिंग कैपेसिटी टू द चेंजिंग फेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। चेंजिंग फेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 BC से लेकर अप टिल नाउ 500 before Christ से लेकर 2022, यानी इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इस्लाम जो था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ है उसके बाद से आना आपको स्टार्ट हुआ है, तो ये हम कह रहे हैं कि चेंजिंग टाइम के हवाले से अभी तक इसकी रेलिवेंस है, ठीक है, अभी तक क्या है इसकी रेलिवेंस है। I have studied him the wonderful man and in my opinion far from being an antichrist he must be called the savior of humanity, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं वो? Not only for Muslims but for the humanity. Why we called this called humanity? क्योंकि इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या है? दीन है। और दीन जो है क्या करता है? आपकी मादा एस्पेक्ट जितने भी है मैंने आपको पहले बता दिए और आपके रूहानी एस्पेक्ट दोनों को एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं? Believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems. वो क्या कह रहे हैं? पहले तारीफ बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बता रहे हैं कि अगर उनको इवन dictatorship word is a negative word ना in today's world, ठीक है, कह रहे हैं अगर आप उनको dictatorship दे देंगे ना वर्ल्ड की
तो वो क्या करेंगे कि वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनके अंदर कैपेसिटी होगी, ठीक है. इन अ वे दैट वुड ब्रिंग मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस. आई हैड प्रोफेसाइज्ड अबाउट द फेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द यूरोप ऑफ टुमारो एज इट इज बिगिनिंग टू बी एक्सेप्टेबल टू द यूरोप ऑफ टुडे. अब एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं होती ना, तो डजंट मैटर. एसेंस समझने पहले उसने क्या बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की, उसके बाद उसने बता दिया है कि जो उनका रिलीजन था उसकी रेलिवेंस क्या है, एंड देन उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप उनको दे देंगे डिक्टेटरशिप ऑफ दिस वर्ल्ड तो क्या होगा कि वो इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है. अच्छा, कल मैंने आपको ना रेफरेंस को याद करने का तरीका भी बताया था, गिव मीनिंग टू दैट. अब मैं आप देख रहे हैं मैं कैसे उसको मीनिंग दे रही हूँ, कि पहले मैं उससे आप बता देंगे क्वालिटीज ऑफ पीस बी अपॉन हिम, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है वो बता रहे हैं कि किस तरह से रिलेवेंस क्या है, एंड देन गिव मीनिंग टू द डेफिनेशन रादर देन डायरेक्टली लर्निंग द टेक्स्ट. आपने उस टेक्स्ट को मीनिंग दे देना, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम स्किमिंग करते हैं, मीनिंग देकर हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं उससे, सिर्फ उन 3 पॉइंट्स को जब आप देख ले तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं. ये एक आपकी न्यूरो साइंस में के अंदर भी आपकी याद करने की एक ट्रिक है कि आप चीजों को इन्फॉर्मेशन को याद कैसे करें, गिव मीनिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. अभी मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से आपको लेकर चल रही हूँ ताकि जो चीजें आपको जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, आगे थोड़ी अगर मेरी स्पीड तेज हुई तो आप लोग उसको easily जो है वो उसको कर सकते. अच्छा, religious consciousness among human beings क्या मतलब है इसका? religious consciousness मतलब ये आगामी और गैर सामी religion, divine और non divine, ठीक है. divine कौन से होते हैं? जिनका टेक्स्ट या फिर जो कोड है वो कहाँ से आया हो, जो है गॉड अल्लाह की तरफ से आया हो, टेक्स्ट ऑफ गॉड हो, डिवाइन हो, ठीक है. वही के जरिए नाजिल हुआ, रेवलेशन किसके थ्रू? रेवलेशन के थ्रू नाजिल हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, वो डिवाइन रिलीजन. उसके अंदर कौन कौन से रिलीजन आ जाते हैं? क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम आ जाते हैं, ठीक है. ये 3 रिलीजन आते हैं डिवाइन रिलीजन के अंदर, और कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन क्या है? सेम है. अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या दीन था? उनका दीन भी क्या था? इस्लाम था, ठीक है. असल में कहा यह जाता है कि जितने भी ह्यूमन पैदा हुए सबका दीन इस्लाम है. जैसे इब्ने तैमिया ने कहा था कि इंसान जो बच्चा जो है वो इस्लाम की फितरत के साथ पैदा हो. किसकी फितरत के साथ? इस्लाम की फितरत के साथ. इब्ने तैमिया ने कहा कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत के साथ, ये तो सोशलाइजेशन है. सोशलाइजेशन का वर्ड सुना है कभी? ये तो सोशलाइजेशन है जो उसको हिंदू, मुसलमान, सिख या जो भी यहूदी बना रही होती है, ठीक है. ये वो चीज है. अच्छा जी, रिलीजियस कॉन्शियसनेस अमंग ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज सो बिकॉज गॉड इंस्टिल्ड इन देम हिज अवेयरनेस देयर प्राइमोर्डियल नेचर. यहाँ पर मैंने आपको इब्ने तैमिया का रेफरेंस दे दिया, ठीक है. कोई भी आप बात करें जब भी आप एक्सप्लेनेशन देखिए, जो जैसे कि चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपने पैराग्राफ में सिंपल इन चीजों को इंग्लिश या उर्दू में एक्सप्लेन करना होता है. याद करने वाली चीजें या फिर रिटेन करने वाली चीजें कौन सी होती है? इसके साथ आपने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए रेफरेंस क्या देना, ठीक है. और वो रेफरेंस मैंने आपको कल ही लिस्ट लिखवा दी थी कि उससे बाहर नहीं आप जा सकते, ठीक है. बिकॉज दैट इज ऑथेंटिक, ठीक है. दो तरह की न्यूज होती है ना, हकीकत टीवी की न्यूज और कौन सा जियो भी वैसे छोड़ते हैं उसको, चले जो भी, ठीक है, एयर वाइक या जो भी. तो ये होता है कि आप हकीकत टीवी वाला दे रहे हैं रेफरेंस या आप कौन सा दे रहे हैं, कोई ऑथेंटिक रेफरेंस दे रहे हैं. तो आपने हमेशा याद रखिए मेचोरिटी से, कल मेरी मुराद वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंपल मेचोरिटी से मेरी मुराद आपका रेफरेंस भी क्या होना चाहिए? मेच्योर होना चाहिए, ठीक है. और जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ आपने 2 ही रेफरेंस देने हैं, हदीस और कुरान का रेफरेंस. जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे आप लिमिटेड रहते. रेफरेंस मीन्स
दैट इस्लामिक स्कॉलर रेफरेंसेस. ठीक है, अब जैसे इब्ने खल्दून है, आप सबने पॉलिटिकल साइंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ी पढ़नी है इब्ने खल्दून, ठीक है, इमाम गजाली और जो है शाह वलीउल्लाह, ये सब ये क्या है, इस्लामिक स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स, इनके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा. ठीक है, इस्लाम ही था. ठीक है, वो किसी पर्सन को आइडियलाइज करके, जैसे हजरत ईसा को, ठीक है, जीसस क्राइस्ट को आइडियलाइज करके अपने मजहब को क्या नाम दे दिया, क्रिश्चियनिटी. ठीक है, और जो जुडाइज्म थे उन्होंने हजरत दाऊद की उसके साथ एलिजेंस की वजह से उनको ये वाला जुडाइज्म जो है वो रिलीजन दे दिया. तो असल में रिलीजन एक ही है, ठीक है, दैट वाज इस्लाम फ्रॉम द ओरिजिन. हजरत आदम का दीन इस्लाम था, तो तमाम अगर इंसान हजरत आदम से पैदा हुआ तो सबका दीन क्या है, इस्लाम है. ठीक है, सर क्या तो हम देख लेते हैं क्योंकि नॉन डिवाइन रिलीजन में आपका सिखिज्म भी आ जाता है, आपका बुद्धिज्म भी आ जाता है, हिंदुइज्म आ जाता है, ताओइज्म आ जाता है, ठीक है, और हाँ पारसी मजहब भी आ जाते जो आपके पूजा करते हैं, ये सारे आ जाते हैं. इनका ये सब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, इनकी सिर्फ आप बता दें, थोड़ा सा ये बता दें कि जो है कितने परसेंट पॉपुलेशन इसको फॉलो कर रही है, इस तरह की चीजें, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप उसको करें, उसको इतना ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा, रिलीजन डील्स विद मैन रिलेशन विद गॉड. कल मैंने एक चीज बताई थी, मैन टू गॉड एक वर्टिकल रिलेशन अमूदी, ठीक है, और यानी रिलीजन जो है वो रूह है, वो प्राइवेट है, इंडिविजुअल है, जबकि दीन जो है इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल, इट इज कलेक्टिव, ना सिर्फ इनफरादी है बल्कि इज्तिमाई जिंदगी को भी क्या करता है, ये एड्रेस करता है, डील करता है. ठीक है, अब व्हाट इज रिलीजन, एमिले दुर्खेम का पता होगा, सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट था वो, क्या कहता है, ठीक है सर, एमिले दुर्खेम क्या कहता है कि रिलीजन क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स है एंड प्रैक्टिसेस आर रिलेटेड टू सेक्रेट थिंग्स. अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको कल बताया था कि बिलीव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, बिलीफ को आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, और उस बिलीफ को ताजा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इबादत के लिए क्या करना पड़ता है, इबादत के. ठीक है, कि आपका एक बिलीफ है, मेरे दोस्त ने क्या कहते हैं, डिफाइन किस तरह रिलीजन करते हैं, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ, बिलीफ इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिलीफ है और वो प्रैक्टिस है रिलेटेड टू सेक्रेट थिंग्स. ठीक है, बड़ी पाक और सेक्रेट थिंग्स, ऐसी चीजें जो कि इल्हामी हों, जो कि जिनको हम देख ना सकते हों, उनके बारे में. अब यहाँ पे देखिए, रिलीजन कहाँ पे लिमिटेड हो गया आपका, कहाँ पे लिमिटेड हो गया आपके, सिर्फ एक स्पिरिट पे, कहाँ पे लिमिट हो गया, स्पिरिट पे. ठीक है, अब देखिए पीछे से आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, आप ये डेफिनेशन कभी नहीं भूले. ठीक है, कि एमिले दुर्खेम रिलीजन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, आगे देखते हैं. दूर कहते हैं कि द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन इज एज फॉलोस, इसको मैं रीड करके ना फिर आपको साइड. सो द नीड ऑफ रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ दीन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, द नेसेसिटी ऑफ डिवाइन रिलीजन दीन, उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इस दीन की आपकी लाइफ में. अब यहाँ पर ना जब मैं आपको, अरे इससे पहले ना मैं आपको एक काम नहीं देती, चले जरा आप लोग भी कुछ करें ना, आप बैठे हो रहे हैं, आपको दीन की अहमियत,
चले उसे कौन से क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, 5 मिनट है आपके पास, ब्रेनस्टॉर्म करो और आइडियाज लिखो अपने दिन के लिए। ऑनलाइन वाले भी दीन की अहमियत इंपॉर्टेंस ऑफ दीन ब्रेनस्टॉर्म करो क्या है, किस किस तरह से आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है दीन, आपके क्या काम आ रहा है, ठीक है। आप अभी मुझे सोच रहे हैं आप पहले, फिर आप मुझे बता दीजिए। आपका कलर साथ नहीं दे रहा ना, मुझे मजाक लगा हुआ। पांच मिनट हो जाए तो कोई ईमानदार। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी, मैंने दीन की अहमियत पे आपको पॉइंट्स लिखने को कहा है, आप लोग भी लिखते हैं। बस ठीक है, मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, आप बताए।
ऑनलाइन कैंडिडेट्स जो है ना अपना माइक ओपन शेयर कर सकते हैं मैडम के साथ। मुकम्मल जाप्ता हयात के अंदर पहले तो आपने ना सबसे पहले आपने तो आपने एड्रेस करना है स्पिरिट को करना है पहले। बीइंग अ मुस्लिम ना आपका सबसे पहली चीज जो शुरू होती है ना आपका रूह है आपकी, ठीक है। रूह के बाद आप बाधा तो है आप, लेकिन आपका बिलीफ पहले है उसके बाद सब कुछ है। मैं आपको ना सिस्टमेटिकली थॉट ऑर्गेनाइज कराना सिखाने लगे आपने कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करते हो आइडियाज कैसे निकालने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहले स्पिरिट और इस साइड पर आप ले आए वादा, ठीक है, मटीरियल जो भी बॉडी कह रहे मटीरियल कह रहे। अच्छा ऑनलाइन वालों को बोर्ड नजर आ रहे जी मैम आ रहे नजर Yes, जी मैम जी यस मैम ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने क्या कर लिया मटेरियल बॉडी उर्दू वाले जरा मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी नाराज ना हो। मटेरियल और बॉडी स्पिरिट में पहले आपका, फिर आपका क्या आ जाता है आपका ईमान बिलीफ आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा आपके स्पिरिट में क्या आएगा वर्शिप, ठीक है, वो आपके मटेरियल में भी आ जाएंगे। चले इसमें हम ले जाते हैं वर्शिप सब, ठीक है। इसके अंदर ना आपकी जरा ये भी चीज आ जाती है ना क्वालिटी भी एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा देख ले करें कौन कौन सी चीजें एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे आपने सिस्टमाइज करना है अपनी थॉट्स को, इस तरह सिस्टमाइज करना सीखेंगे तो आपके लिए इजी होगा, वरना इन्फॉर्मेशन फिर रट्टा ही लगाते रह जाएंगे। इतना रट्टे के पास टाइम ही नहीं होता आपकी, 12 बुक से आप कितना याद करें, ठीक है। आपने क्या करना है डीप वर्शिप रियलिटी, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है ना आपने जिनको हम छू नहीं सकते हैं जो भी, उसको आप इस हेडर के नीचे ले आए। उसके बाद जो मटेरियल चीजें हैं, ठीक है, मटेरियल के आपके पास एब्स्ट्रैक्ट्स क्या है आपका सियासी आ गया, ठीक है। आपका पहले तो आप एक फरादी लेकर आए ना सबसे पहले ना आप, फिर दोबारा सिस्टमेटिक चलो, सबसे पहले आप ले आओ फरादी ले आओ ना, ठीक है। इंफरादी के बाद आप ले आओ समाज बनाएंगे पहले इंडिविजुअल सोसाइटी से फिर स्टेट बनती है ना जो आप, फिर स्टेट के साथ कौन कौन से अफेयर्स आपके सियासी, ठीक है। बल्कि इससे पहले ना आप जरा मुआशी ले आए ना वो ले आओ, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज कर दो, सियासी ले आओ मुआशरती ले आओ, ठीक है, जो भी ये सारे ले आओ आप, फिर इनसे इनके बारे में सोचना शुरू कर दो। इनके बारे में सोचोगे अब आप यकीन करें आपके पास कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 इनके और भी निकल सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 12 से 13 हेडिंग मोर देन इनफ होती है आपके एक उसके लिए। ये तो हो गई कि आपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना, ये बात हो गई क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जंप एंड अप होती है ना आपकी थॉट, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं पहली वे में, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ही आपकी क्या हो, एक सिस्टमैटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ताकि आपको जैसे ऐसे में भी ये चीजें काम आएंगी आपकी, ठीक है। ऐसे के अंदर भी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, इसको आप कह लें सिस्टमैटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। क्या मतलब ज़ाहिर है इस्लाम दीन है ना, सिर्फ एक इस्लाम ही तो है जो दीन है, इस्लाम ही तो है जो दीन है, लेकिन कोई क्वेश्चन है ना उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन आ रहा है जैसे दीन के बारे में बात आ रहा है, तो फिर आप बार बार दीन लिखेंगे इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अच्छा जी समझ आ गई आपको जिस चीज की, चले उसके बाद चले उसको भी देख लेते हैं, दैट्स ऑल्दो दे आर वेरी लिमिटेड, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे, ये यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, ठीक है, यहाँ से आपकी अपनी क्रिएटिविटी निकल कर आएगी, बातें नहीं करें। दीन प्रोवाइड गाइडेंस, ठीक है, टू मैन काइंड, सबसे पहले जनरल बात होगी, दीन प्रोवाइड क्लियर पाथ, ठीक है, अगर पाथ बड़े जनरल से बात होगी कौन सा क्लियर पाथ, ठीक है, आप उसको मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं, इसके अंडर भी आप हेडिंग बना सकते हैं। पाथ जो है जी
अमर पिल और ये सारी चीजें इस तरह से दी लीड्स मैनेजमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट डिवाइन रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज. अच्छा विजडम एंड नॉलेज का भी ताल्लुक आपका किससे हो जाता है, आपके मटेरियल से भी है ठीक है, रैशनैलिटी से भी है. अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ना आपने देखना है एक और चीज, मैं आपको थोड़ा एक और पॉइंट बता चुकी हूँ. मटेरियल जो है ना रैशनैलिटी ठीक है, और ये है आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये दो टर्म्स का पता है ना आपको ठीक है, जो रूह से रिलेटेड है ना, जरूर से रिलेटेड है. ये आपका अंधाधुन बिलीफ है, कोई चीज नहीं देखी या ये कोई ऐसी सिदातुल मुंतहा पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ठीक है, रैशनैलिटी इसको प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन ये किसके ऊपर आपका ईमान है ना, इसका इसकी डोमेन क्या है, स्पिरिचुअलिटी. लेकिन दीन ने ना इन दोनों चीजों को बैलेंस किया हुआ, दीन ने इन दोनों चीजों को बैलेंस किया हुआ, आपकी रैशनैलिटी को भी वो दे रहा है जो है वो वाटरिंग योर रैशनैलिटी एज वेल एज योर स्पिरिचुअलिटी ठीक है. दैट इज वाई ये वाइटल है, दैट इज वाई इसकी वाइटैलिटी ठीक है. इस तरह से आपने आप इससे ज्यादा बना सकते हो कि नहीं, करना ही होता है ना. असल में ना हमें सिखाया नहीं जाता ना, हमें ना खुद की क्रिएटिविटी बनानी चीजें सिखाई नहीं जाती ठीक है. हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि हमें सिर्फ ये जो कंटेंट बुक में लिख दिया गया वो हर पे आखिर है, हमने खुद सोच ही नहीं सकते ना. और तो आपकी आपकी उम्र माशाल्लाह इतनी नहीं है, मतलब जितनी भी है लेकिन इतनी तो है ना कि आप सोच सकें ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स. उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस आपको अनक्लियर रह गया होगा, ऐसा है सबको समझ आ गई है ना. अब आगे देखिए दीन क्या है, डोमिनेंट एलिवेटेड ऑफ सुप्रीम लॉ है, रिलीजन एंड ऑफ प्राइवेट बिलीफ है ठीक है, अंडरस्टूड, यूनिक है और ओनली वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ जाता है आज ठीक है, कॉमन प्लेन से अमेंडेबल. अब रिलीजन के अंदर ना दे कैन बी चेंजेस, रिलीजन इज चेंजेबल. बाप देखिए मैंने आपको कल बताया था इस्लाम दीन, और इस्लाम के अंदर आपने ना डिफरेंट जो मजहब जिनको हम कह देते हैं जो फिका हनफिया फिका जाफरिया और उनके थोड़े से ना तरीके प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीफ ठीक है, वो उसमें हाँ, वो रिलीजन में वो क्या है, दे आर एक्सक्लूसिव, वो दे आर डिफरेंट ठीक है, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है ठीक है. ऑल्दो कि ये सबसे बड़ा वो है कि अहले सुन्नत वाले कह रहे होते हैं हमारा ठीक है, जो है दूसरे जो है अहले हदीस कह रहे होते हैं हमारा तरीका ठीक है ठीक है. ऑल्दो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलीजन था वो इस्लाम, वो दीन था ठीक है, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ठीक है. सिर्फ रिलीजन मुख्तलिफ इमामों के साथ एलिजेंस की वजह से क्या हो गया, देयर वाज अ डिवीजन ठीक है. बट रैशनैलिटी क्या कहती है, रैशनैलिटी कहती है देयर इज ओनली, मुझसे कोई पूछता है ना आप क्या है, मैं कहती हूँ मैं मुसलमान हूँ, आप भी वैसे यही कहा करें, और हम अपनी पहचान करा रहे होते हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ ठीक है. लेकिन जो नबी का दीन था वो हम सबका ही दीन है. उसके बाद डिवाइन है ये एंड दैट इज मैनमेड, टारगेट करता है बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट ठीक है, डेवलप करता है रीजन एंड इंटेलेक्ट. मैंने पहले बता दिया आपको रैशनैलिटी क्या है, आपकी अकल आपकी सोच विचार. हॉस्टाइल टू साइंस एज इट प्रूव्स इट रॉन्ग. अब देखो साइंस क्या है, किससे निकली है, आपकी सोच अकल आई तो आप साइंस की तरफ गए ना ठीक है. तो जब हमने बात कर ली कि ये रैशनैलिटी को कर रहा है क्रिएटर, तो फिर पॉलीथिस्टिक पता ना इन टर्म्स का किसको नहीं पता, एक खुदा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर लगाई जाती है इंडिविजुअल के ऊपर ठीक है, और ये दैट ओनली बेनिफिट्स वन सेल्फ इंडिविजुअल, इसकी डोमेन जो है ना बड़ी लिमिटेड सी हो जाती है, इट इज अ पार्ट क्या है, ये पार्ट है, जबकि दीन क्या है,
बोल पावर टू चैलेंज फेट लाइफ टेररिज्म. अब ये कुछ अभी आपको सिस्टम्स भी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं काफी डिटेल से पढ़ाऊंगी. फिर ये होगा कि आपकी वो जो आर्ग्यूमेंट्स की बेस है वो जब स्ट्रांग हो जाएगी देन अल्टीमेटली आपको इजी हो जाएगा चीजें करना. ठीक है चले. अच्छा फेटालिज्म क्या होती है? किस्मत जो लिख दी गई है ना, ठीक है, तकदीर जिसको कह लें, इट कैन नॉट बी चेंज. लेकिन दीन में क्या कहा है कि कौन सी चीज किस्मत को, दुआ जो है किस्मत को बदल सकती है. ठीक है, दैट योर पावर ऑफ थिंकिंग, जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, वैसा ही क्या होगा आपकी सोच होगी जो है. ठीक है, अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग तो ये आप अल्लाह से बेहतर अच्छा गुमान करना शुरू करते हैं. ठीक है, और बल्कि आप जो बनना चाहते हैं ना, अगर आप किसी को बना हुआ देखें तो आप उसके लिए दुआ किया करें. अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ की कबूलियत हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो बल्कि मैं उनके लिए वो खुश होती थी, दुआ करती थी ये इस तरह से. तो ये होता है, इट एक्चुअली हैपन्स कि जब आप किसी कामयाब को देखें उसके लिए दुआ किया करें, अल्टीमेटली वही सूरत हाल अल्लाह ताला आपको भी उस पर क्या होता है देता है वो आपको. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. अकॉर्डिंग टू द बुक, तमाम किताबों के अंदर अडल्टरेशन हो चुकी है. अडल्टरेशन मिलावट, ठीक है, मिलावट क्यों नहीं किसी को पता है? अब इस पे भी देखो, मैंने क्वेश्चन किया, इस पे स्पिरिचुअल बिलीव है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, और दूसरा ये है मटेरियल अगर हम देखें तो क्या होता था कि इन किताबों के ऊपर ना कि जो पर्टिकुलर जो क्लैरिक्स होते हैं, ये जो मुल्ला जिसको कहते हैं ना पॉप जो है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में एक शख्सियत जो है वो क्या करती है, वो अपने फायदे के लिए ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते थे, अमेंडमेंट्स कर देते थे. ठीक है, क्या कर देते थे, अमेंडमेंट्स कर देते थे. डार्क एजेस में बाइबल के अंदर पॉप ने काफी, उन्होंने अपने फायदे को करने के लिए उन्होंने काफी चेंजेस इसके अंदर किए थे. ठीक है, लेकिन इस्लाम में कुरान पाक जो है उसमें चेंजेस नहीं किए गए. ठीक है, सही रेफरेंसेस कुछ लिखे हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक दो ही आपने देखे, सारे याद नहीं करने, मैं आपको बता दूंगी कौन से याद करें. अब डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है इसमें, वर्शिप का सबसे यूनिक है कॉन्सेप्ट नमाज का. अगर आप देखें उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स देखें, ठीक है, कहते हैं कि नमाज भी है जो आप पानी लगाते हैं गर्दन पे, इससे पागलपन नहीं होता. ठीक है, मर्दों के लिए अगर टखने महंगे रखने का हुक्म दिया है तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है. ठीक है, औरतों के लिए इसको कहा गया है कि आप उसको ढक के रखें, मतलब ऑल थिंग्स आर नाउ साइंटिफिकली प्रूवन. ये जो योगा है कि आप जो है झुक कर आपका जमीन पे लगे, उससे ये होता है कि आपकी स्पाइन के अंदर एक फ्लूइड होता है. ठीक है, मे बी साइंस स्टूडेंट मोस्टली आप हो, तो वो जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट करता है दिमाग तक, और उससे सर्कुलेशन से क्या होता है कि आपको कभी ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी नहीं लगती. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स के एक्सक्लूसिव सिस्टम है वर्शिप का. प्रैक्टिकल है, लास्ट रिलीजन है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, नो कंपल्शन. ठीक है, देयर इज नो कंपल्शन इन दीन. ये आयत है, ये ऑफ टॉलरेंस है, इस्लाम इज नेचुरल रिलीजन. अच्छा, नेचुरल रिलीजन का मतलब क्या है कि ये नेचर के बहुत करीब है, इंसान की जो उसकी जरूरियात है. ठीक है, आया वो साइकोलॉजिकल जरूरियात है या उसकी फिजिकल जरूरियात है, उसको क्या करता है, एड्रेस करता है. ठीक है, जो आगे से उन्हीं आर्गुमेंट्स को बस लिखा हुआ. ठीक है, कुछ भी इसमें समझ में बुक के जिन लिविंग लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज हर दौर के अंदर समझी जाने वाली किताब. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ठीक है, अच्छा इस तरह की बात है तो आप
जो आपको आती है याद, आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस देके कि अल्लाह ताला ने फिर नीचे बात कर दी, आप अपनी एक्सप्लेनेशन कर दें कि अल्लाह ताला ने साथ में शुरू में ही किताब के ओपनिंग चैप्टर में ही क्या बात कर दी है कि मैं तमाम आलम का रब हूँ। डिस्टॉर्शन एंड ऑल्ट्रेशन, यानी मैंने आपको पहले तालीस में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है जी। अब देखो पीछे बात कर दी दीन की, अभी क्या है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी की सारी हम बातें करते आगे, उसकी आप अपनी बुक से भी पढ़ लेंगे कि रूहानी साथ क्या होते हैं भाई, आपको जिस चीज रस्ते पे ले आते हैं, आपको एक जो है मतलब आपके अंदर ना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा दी जाती है, जजा और सजा का कॉन्सेप्ट होता है, आपने गलत किया तो आपको हेल्थ हेयर आफ्टर के अंदर आपको हेल्थ फायर में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, और अदर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत एंड जहन्नम, ठीक है, वो आपके वो चीज अलग आ जाती है, दैट बिलोंग्स टू योर स्पिरिचुअलिटी एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, ठीक है, जो आप उसको टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, अब देखो इस्लाम प्रोवाइड्स अ कंप्लीट कोड फॉर ऑल, ठीक है, इन हर सिस्टम का पूरा कोड दिया हुआ है, उसकी बेस क्या है हर सिस्टम की, उसकी बेस पे ना शरिया है, उसकी बेस पे क्या है शरिया है, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसकी बेस पे भी क्या है शरिया, अगर आपका सोशल सिस्टम